जैसे कि ये आपने देखा ये नादौन एरिया में ये इस साल भी एपिसोड हो गया, वाटर बॉर्न डिजीज फैलने का डर जो है इस पर भी आ गया था। इसी तरह से लास्ट ईयर भी ये एपिसोड हुआ था, तब भी हमारे इस एरिया में 1,000 से ऊपर केस आए थे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब इसके बारे में हमने सीएम साहब से बात की तो उन्होंने बोला इस एरिया में जब ये सोर्स हमारे जो हैं ये सेफ़ नहीं है तो क्यों ना आप अपनी सारी स्कीमों को ब्यास रिवर पे ले जाओ। तो हमने सभी स्कीमों के सोर्स जो हैं वो ब्यास रिवर पे शिफ्ट करके एक प्रपोजल बनाई, वो लगभग 219 करोड़ की बनी, जिसमें सभी स्कीमों को हमने ब्यास रिवर पे ले जाके और सभी स्कीमों में यूवी और गैस डेसैलिनेशन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए हमें इस साल के लिए पैसा भी सेंक्शन हो चुका हुआ है और काम भी चला हुआ है, तेज़ी से हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गर्मियों के सीज़न आने से पहले हम सभी स्कीमों को जो है ये यूवी और गैसेस कोरिनेशन से जोड़ दें और लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल जो है उपलब्ध कराएँ। जैसे कि ये आपने देखा ये नादौन एरिए में ये इस साल भी एपिसोड हो गया, वाटर बॉर्न डिजीज फैलने का डर जो है इस पर भी आ गया था। इसी तरह से लास्ट ईयर भी ये एपिसोड हुआ था, तब भी हमारे इस एरिए में 1,000 से ऊपर केस आए थे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब इसके बारे में हमने सीएम साहब से बात की तो उन्होंने बोला इस एरिए में जब ये सोर्स हमारे जो हैं ये सेफ़ नहीं है तो क्यों ना आप अपनी सारी स्कीमों को ब्यास रिवर पर ले जाओ। तो हमने सभी स्कीमों के सोर्स जो हैं वो ब्यास रिवर पे शिफ्ट करके एक प्रपोजल बनाई, वो लगभग 219 करोड़ की बनी, जिसमें सभी स्कीमों को हमने ब्यास रिवर पे ले जाके और सभी स्कीमों में यूवी और गैस डेसैलिनेशन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए हमें इस साल के लिए पैसा भी सेंक्शन हो चुका हुआ है और काम भी चला हुआ है, तेज़ी से हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गर्मियों के सीज़न आने से पहले हम सभी स्कीमों को जो है ये यूवी और गैसेस कोरिनेशन से जोड़ दें और लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल जो है उपलब्ध कराएं।